कल से माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू हो चुकी है और ऑलरेडी आप लोगों को जिस तरह से SOPs और इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया है, सभी से आग्रह है उनको फॉलो करें। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं CEO श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रमेश कुमार जी, उनसे बात करेंगे। रमेश जी, क्या सबके लिए मैसेज है और ऑलरेडी आपकी तरफ से SOPs दी गई हैं, क्या आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? देखें, सबसे पहले तो ये जब है जो कोविड के कारण बंद की गई थी, अब कुछ सिचुएशन इम्प्रूव हुई, तो इसमें जिसने भी UT गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन थी, जैसे कब सभी रिलीजियस प्लेसेस खुल रहे हैं, तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी कल से खुल रहा। पर एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स जो रखे गए हैं, उसमें जैसे कि कल SOP इशू की गई है, उसमें 2000 की ही लिमिट रखी गई है यात्री की, जिसमें 1900 जो है लोकल जेके UT के हो सकते हैं और 100 जो है आउटसाइडर जेके UT आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन किसी तरीके से करंट में अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें पूरा ध्यान रखा गया है किसी तरीके से भीड़ भड़ाका ना हो। तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है, उसके ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ से यात्रा पर्ची डाउनलोड करके वो लाएंगे यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में जो यहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर उनका जो है थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। उसमें भी सही तरीके से आते हैं तो उनको यात्रा के लिए अलाउ किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग है, तो सैनिटाइज़र के लिए लगा हुआ है। उसमें जो बाहर के यात्री होंगे या जम्मू कश्मीर के रेड डिस्ट्रिक्ट से जो होगा, उसका यहाँ पर सैंपल टेस्ट किया जाएगा, जो नेगेटिव होगा उसी को ही इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा प्रिकॉशनरी तरीके से कुछ लोगों का रैंडम, जो लोकल लोग आ रहे हैं, रैंडम सैंपल टेस्टिंग भी की जाएगी यहाँ पर। तो यात्री जो भी आ रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि मास्क पहन के आएँ, वहाँ पर किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग पूर्णतया बना के रखें, सैनिटाइज़र का जो जगह जगह लगाया हुआ वहाँ यूज़ करें, और प्रॉपर तरीके से जितनी भी गाइडलाइन रखी गई है उनका ध्यान रखें। और हमारा ये निवेदन रहेगा कि वहाँ पर भवन पे ना रुका जाए, जितने लोग वहाँ जाते हैं इमीडिएटली दर्शन करने के बाद में वापस आ जाएं। इसके अलावा बैटरी कार सर्विसेज, हेली सर्विसेज भी उनके लिए अवेलेबल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। रमेश जी ने पूरी जानकारी दी है, आप लोगों से आग्रह है कि कृपया करके इन सभी चीज़ों को फॉलो करें और श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड को पूरी तरह से अपना समर्थन दें, और उनकी तरफ से हर फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। सभी लोग देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली JK मीडिया के लिए, जय माता दी।